स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज हिस्ट्री स्पेशल आज की जो है क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के आधुनिक भारत का इतिहास और उसमें पढ़ रहे हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। आज हम लोग जिन गवर्नर जनरल्स पे जो है चर्चा करेंगे उनमें जॉर्ज वार्लो और लॉर्ड मिंटो प्रथम। जॉर्ज वार्लो जो कि लॉर्ड कार्नवालिस भारत में जब दूसरी बार गवर्नर जनरल बनकर के आया लेकिन बहुत लंबा नहीं चल पाया, उसकी मौत हो गई, तो फिर अगला गवर्नर जनरल बनाया गया किसको? जॉर्ज वार्लो को, जिसका शासनकाल किसी तरह जो है सिर्फ 2 वर्ष का जो है रहा था। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का जो है शासनकाल रहा था। जॉर्ज वार्लो आया, इसका शासनकाल वर्ष 1805 से लेकर के 1807 तक जो है रहा। और इसके शासनकाल में जो प्रमुख घटना हुई थी वो पहली घटना हुई वेल्लोर का सैनिक विद्रोह। कहीं कहीं इसको जो है वेल्लूर लिखा होगा, है एक ही बात। दक्षिण भारत का प्रथम सैनिक विद्रोह। और ये सैनिक विद्रोह हुआ क्यों, उसके पीछे क्या रीजन था? दरअसल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सेना में काम करने वाले सैनिकों को ड्रेस कोड जो है लागू किया गया। वहां तक तो सही था, हालांकि भारतीय पहनावा की जगह पर ब्रिटिश पहनावा, यूरोपियन कल्चर का जो है पहनावा भारतीय सैनिकों को स्वीकार नहीं था। पगड़ी बांधने वाले लोगों को अब सिर पे तुर्रा, जो चमड़े की बनी हुई एक टोपी हुआ करती थी, स्वीकार नहीं था। लेकिन क्या किया जाए, पापी पेट है, क्या नहीं कराता है इंसान से, या तो कटोरा उठवा देता है नहीं तो कट्टा उठवा देता है। सैनिकों ने उसे स्वीकार किया, भारतीय कल्चर के कपड़े छोड़ करके अब जो है यूरोपियन कपड़े जो है पहनना एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब धार्मिक चिन्हों पर भी प्रतिबंध लगाया गया कि आप माथे पर तिलक लगा नहीं सकते हैं, कानों में कुंडल नहीं पहन सकते हैं, सिख धर्म के लोगों के लिए पगड़ी पर जो है प्रतिबंध लगाया गया, तो इसको लेकर के सैनिकों में उबाल हुआ। और मराठा सैनिकों ने कानों में कुंडल और माथे पर पगड़ी बांधने से रोकने को लेकर के जो विद्रोह किया उसी को वेल्लूर विद्रोह या वेल्लौर विद्रोह के नाम से जाना गया। किसके शासनकाल में हुआ? जॉर्ज वार्लो के शासनकाल में दक्षिण भारत का यह पहला सैनिक विद्रोह था। उत्तर भारत का पहला सैनिक विद्रोह, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत का जो है पहला सैनिक विद्रोह जो रहा था वो बक्सर से शुरू हुआ था। बक्सर युद्ध के जस्ट बाद हुआ था। यहां जो नेतृत्वकर्ता थे, नेतृत्वकर्ता किसके नेतृत्व में ये विरोध जो है युद्ध हुआ, ये विद्रोह हुआ, तो आप कहेंगे बलवंत राव। कौन थे सैनिक? ये थे बलवंत राव फड़के। और बलवंत राव फड़के के नेतृत्व में सैनिक ऐसे भड़के कि सैकड़ों ब्रिटिश सैनिकों को मौत की घाट जो है उतार दिया। 10 जुलाई के दिन वेल्लोर में टीपू सुल्तान की बेटी की शादी थी। हालांकि राज परिवार नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, लेकिन सैनिकों ने उनकी एक न सुनी। इनविटेशन पे बहुत से जो है उस समय के ब्रिटिश सैनिक जो है ऑफिसर वहां मौजूद थे और बलवंत राव फड़के के नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। लेकिन कारण क्या था, अगर जो है पूछा जाए कि इस बवाल का कारण क्या था,
तो मराठा सैनिकों को, मराठा सैनिकों को माथे पर तिलक, माथे पर तिलक व कानों में कुंडल पहनने से रोकना, कानों में कुंडल पर प्रतिबंध लगाना, पर रोक लगाना, यही वजह था कि इन सैनिकों ने जो है विद्रोह किया। और इस घटना के समय अगर पूछा जाए कि मद्रास का गवर्नर जो है कौन था, तो इस घटना के समय जॉर्ज बार्लो तो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर के अंतर्गत ही बंबई और मद्रास के गवर्नर आया करते थे, तो उनको गवर्नर कहा जाता था, मद्रास का गवर्नर, बॉम्बे का गवर्नर, लेकिन बंगाल वाले को गवर्नर जनरल कहा जाता था। ये गवर्नर जनरल था, और मद्रास का जो है उस समय जो व्यक्ति था उसका नाम था लॉर्ड विलियम वेंटिक। क्या नाम था? लॉर्ड विलियम वेंटिक, जो कि आगे चल करके न सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल बल्कि भारत का गवर्नर जनरल जो है बनेगा, वही इस समय जो है गवर्नर जनरल था। इस घटना में बहुत से जो है यूरोपियन सैनिक जो है हताहत हुए। अर्काट से सैनिकों की जो है फिर अलग से जो है बटालियन मंगाई गई, तब इन विद्रोही सैनिकों को जो है कंट्रोल किया जा सका था। ये बिल्कुल ये घटना उस दिन हुई जिस दिन टीपू सुल्तान की बेटी की जो है शादी थी, और इसी घटना को भारत के इतिहास में विल्लूर के विद्रोह के नाम से जो है जाना गया। कहा जाता है कि इसी की वजह से जो है, इसी की वजह से जॉर्ज बार्लो को जो है त्यागपत्र देना पड़ा था, क्योंकि इस घटना में बहुत से जो है यूरोपियन सैनिक हताहत हुए थे। और इनके बाद जो है लॉर्ड हार्डिंग को जो है अगला वायसराय बनाया गया। किसको बनाया गया? लॉर्ड हार्डिंग को। लॉर्ड हार्डिंग को अगला गवर्नर जनरल, सॉरी, लॉर्ड हार्डिंग को बंगाल का अगला जो है गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड हार्डिंग जिसका शासनकाल वर्ष 1807 से लेकर के 13 तक रहा था। लॉर्ड हार्डिंग और 1813 तक इसने जो है शासन किया। वेरी सॉरी, लॉर्ड हार्डिंग नहीं, लॉर्ड मिंटो, वेरी सॉरी, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे चल करके जो है वर्ष 1905 के बाद जो है लॉर्ड मिंटो एक और आएगा, वो लॉर्ड मिंटो सेकेंड था। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट जो है अब यहाँ का बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है, और ये राजा रणजीत सिंह के जो है समकालीन था। किसके समकालीन था? राजा रणजीत सिंह के जो है समकालीन था। और ये वो दौर था जब राजा रणजीत सिंह जो है पंजाब वाले बेल्ट पर बहुत तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। अंग्रेज उनसे भयभीत तो थे, लेकिन इस मामले में सीधे इंटरफेयर करना जो है नहीं चाहते थे। राजा रणजीत सिंह को इन्होंने अमृतसर में जो है अमृतसर की संधि के लिए जो है इनवाइट किया, और उन्होंने स्वीकार कर लिया। और इस तरीके से लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के शासनकाल में अमृतसर की संधि हुई। कब हुई थी? तो अमृतसर की संधि हुई 25 अप्रैल वर्ष 1809 को। किसके किसके बीच हुई? तो आप कहेंगे राजा रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह। हालांकि इसमें स्वयं जो है लॉर्ड मिंटो इन्वॉल्व नहीं हुआ, बल्कि चार्ल्स मेटकॉफ को उसने जो है भेजा था। यानी राजा रणजीत सिंह और किसके बीच? तो आप कहेंगे चार्ल्स मेटकॉफ ने ही अंग्रेजों की तरफ से उस पर जो है सिग्नेचर किया था। किसके बीच हुआ? तो राजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच ये संधि हुई, अमृतसर की संधि हुई। और
इसके तहत जो है परिणाम क्या हुआ, तो आप कहेंगे जो परिणाम हुआ वो अंग्रेजों के लिए लाभप्रद था, राजा रणजीत सिंह के लिए नहीं। इन्होंने सतलज नदी को अपनी पूर्वी सीमा जो है स्वीकार कर ली, यानी जो है इन्होंने अब सतलज नदी से पूरब की तरफ जो है ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ जो है अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकते थे, और यही अंग्रेज चाहते थे। इसी को जो है अमृतसर की संधि के नाम से जाना गया था। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल की जो है दूसरी जो प्रमुख घटना हुई वो दीवान वेला थेम्पू की घटना हुई, जो कि 1808 से 1809 के बीच जो है हुई थी। दीवान वेलू थेम्पी, उस समय जो है ये घटना कहाँ पर हुई, तो दीवान पद होता है, वेलू थेम्पी जो है एक व्यक्ति थे जो कि दीवान के पद पर कार्यरत थे, और इन्होंने विद्रोह किया था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। कहाँ के ये दीवान थे, तो आप कहेंगे त्रावणकोर के शासक थे, त्रावणकोर के जो है दीवान थे। हुआ क्या था इसमें, हुआ कुछ नहीं था, बस यही था कि त्रावणकोर के शासक जो कि बड़ा यही जो है कमजोर था, हर तरीके से कमजोर था, आर्थिक रूप से, चरित्र रूप से, हर तरह से, और अंग्रेजों को लगा कि उसको आसानी से जो है त्रावणकोर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा सकता है। इसलिए अंग्रेजों ने वहाँ के त्रावणकोर के राजा के खिलाफ, राजा के जो है सामने सहायक संधि का प्रस्ताव रखा, उसने मानने से मना कर दिया, स्वीकार करने से मना कर दिया। तो इन्होंने कहा कि या तो तुम मान जाओ और नहीं तो मना दिए जाओगे। आखिर अंग्रेजों ने इनको मना दिया। इसी घटना को जो है वेलू थेम्पी ने दिल पर ले लिया और उसने जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यानी कारण क्या था, तो आप कहेंगे कि सहायक संधि को न स्वीकार करना, सहायक संधि अस्वीकार करना या स्वीकार नहीं करना, ये त्रावणकोर जो कि केरल में अब ये जगह पड़ती है, मालाबार तट पर जो है ये घटना हुई। और आप मैप में इसको देखें तो इस वाले बेल्ट पर यहां पर परिणाम क्या हुआ, परिणाम जो हुआ अंग्रेजों को इतनी उम्मीद नहीं थी। दीवान वेलू थेम्पी जो कि वेलू थेम्पी ने न सिर्फ जो है सैनिकों का नेतृत्व किया, राजा ने सरेंडर कर दिया और उसका दीवान ने अंग्रेजों का नाको दम कर दिया। वेलू थेम्पी ने न सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत को दो दो बार जो है ब्रिटिश सैनिकों को पैर पीछे हटाने पर विवश किया, बल्कि इसने फ्रांस में, कहां पर, फ्रांस और यूएसए से सैनिक सहयोग प्राप्त करने के लिए पत्र भी लिखा। लेकिन फ्रांस भले ही अंग्रेजों का दुश्मन था, लेकिन इस मामले में ये सब हितैषी हो जाते थे। बहरहाल दीवान वेला थेम्पू, इन्होंने दीवान वेला थेम्पी ने जो है प्रयास किया, जरूर सफलता नहीं मिली वो अलग बात थी, लेकिन भारत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हुआ। इसी के शासनकाल में दूसरी प्रमुख घटना घटती है और वो है चार्टर एक्ट 1300। चार्टर एक्ट 1813, इसके तहत जो है जो सबसे पहला प्रमुख काम किया गया भारतीयों के शिक्षा के लिए, किसके, भारतीय लोगों के शिक्षा के लिए, भारतीय लोगों के शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपया प्रतिवर्ष का प्रावधान किया गया। कितना, 1,00,000 रुपया प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान हुआ। किस एक्ट के तहत, तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत, चार्टर एक्ट 1813 के तहत किया गया था। दूसरा जो है प्रमुख काम था और वो ये कि भारत में यूरोपियों को
यूरोपियों को व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया, व्यापार का जो है अधिकार प्रदान किया गया, खास करके ब्रिटिश के जो है लोगों को, जो लोग के वहां से आते थे, यूरोप से, ब्रिटेन से आते थे, उनको भी व्यापार करने का अधिकार दिया गया, बशर्ते उनको रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस जो है अनिवार्य किया गया था। चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ जो है व्यापार, इनको छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बाकी जो है व्यापार को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसी के समय में ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश दिया गया, यानी किसके तहत, तो आप कहेंगे चार्टर एक्ट 1813 के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश दिया गया और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए इसी एक्ट के तहत, किसके तहत, चार्टर एक्ट 1813 के तहत ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है परमिशन जो है दिया गया, या कह लो कि आज्ञा प्रदान किया गया। और इस तरीके से जो ईसाई मिशनरियां थी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो है भारत के लोगों को ये बताने के लिए अब लालायित हो पड़ी थी कि क्यों ईसाई धर्म बेहतर है और क्यों तुम्हारा धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म, सिख धर्म जो उस समय भारत में चल रहे थे, क्यों अच्छा नहीं है। बड़े पैमाने पर इन्होंने प्रचार प्रसार के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया। और हमेशा धर्म परिवर्तन वो लोग जो है कर लेते हैं जो या तो आर्थिक रूप से बिल्कुल दरिद्र होते हैं या मानसिक रूप से दरिद्र होते हैं, या सही कहो तो गरीबी और भूखमरी इंसान से क्या नहीं करा देती है। उस समय या इस समय आज भी जहां धर्म परिवर्तन होता है वहां गरीबी, कहीं ना कहीं गरीबी और अशिक्षा उसके केंद्र में जरूर होती है। और चार्टर एक्ट 1813 के तहत ये काम बड़े पैमाने पर जो है अंजाम दिया गया था। अगले क्लास में जो है जब आपसे मैं मिलूंगा तो जो है तब जो है आगे आपसे बताया जाएगा कि आगे जो है और क्या क्या घटनाक्रम हुए जब लॉर्ड हार्डिंग का जो है दौर आता है, जो कि 1313 से लेकर के 1323 तक अपने पद पर बना रहता है। 10 साल तक जो है बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। आज की क्लास में इन दोनों से बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले दिन, अगली क्लास में, अगले टॉपिक के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।